मुंबई के पास नाला सुपारा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अपना स्कूटर छुड़ाने के लिए एक आदमी महिला पुलिसकर्मी से भिड़ता नजर आया। आरोप है कि सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर स्कूटर को पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन जुर्माना देकर छुड़ाने के बजाय आरोपी जबरन स्कूटर ले जाने लगा। इस दौरान एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसी के ऊपर स्कूटर चढ़ा दिया। इसके बावजूद महिला ट्रैफिक कर्मी उसे रोकने के लिए स्कूटर को लगातार खींचती दिखाई दी, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं था। उल्टा और तेजी के साथ वो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इसी खींचातानी में वो स्कूटर के साथ थोड़ी दूरी तक घिसटती भी चली गई और आगे जाकर सड़क पर गिर गई। इतने में वहां मौजूद उसके साथी ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे वो भड़क गया और उसने स्कूटर को सड़क पर ही गिरा दिया, जिसके बाद आरोपी और उसकी पत्नी महिला पुलिसकर्मी पर ही भड़क गए। पुलिस का दावा है कि नियम तोड़ने की वजह से उसने ये कार्रवाई की और उसका स्कूटर उठाकर गोदाम में रख दिया, जिसके बाद ये आदमी भी वहां पहुंच गया और जबरदस्ती अपने स्कूटर को ले जाने लगा। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। गाड़ी अंदर रखो सर। महिला पुलिसकर्मी ने जब गोदाम का गेट बंद करने की कोशिश की तो उसने गुस्से में स्कूटर से सीधा गेट पर मारना शुरू कर दिया। फिर उसने पुलिस पर ही परेशान करने का आरोप लगा दिया। पिछले दो महीने से टारगेट कर रही है लेडीज। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया।